Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. आप जानते हैं previous video में हम लोग chapter number 5 arithmetic progression जो है वो study कर रहे थे, exercise 5.2 के सारे sum जो है वो हमने कर लिए थे, लेकिन उसमें बीच में मैंने दो sum बाकी रखवाए थे. वो इसलिए रखवाए थे because वो थोड़े से अलग method के थे, क्योंकि उसमें दो AP की एक साथ बात आती है. तो अभी हम वो सम करने जा रहे हैं, ठीक है. सबसे पहला था एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, टू एपीस, कितनी एपी है, दो, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इक्वल है. ये ध्यान रखना, गिवन है दोनों में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब डी की वैल्यू दोनों की इक्वल है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस, 100th टर्म को सिंबल में क्या कहते हैं पता है ना, ए 100, दोनों के ए 100 का डिफरेंस इज 100, कितना है 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसा लॉजिक लगाएंगे, 100th टर्म का डिफरेंस 100 तो 1000th टर्म का होगा 1000, बट ये आंसर रॉन्ग होगा. कैसे होगा, हमें सम कैलकुलेट कंपलसरी करना पड़ेगा. हियर आपको दो एपी गिवन है, बट एपी नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पे एपी जो है वो जनरल फॉर्म में एज्यूम करूंगा. फर्स्ट एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए, उसके बाद आता है ए प्लस बी सेकंड टर्म, उसके बाद आता है ए प्लस टू डी, ऐसे सो ऑन कंटिन्यू रहता है. ये हमारी फर्स्ट एपी है सिंबल में. एंड सेकंड एपी, सेकंड एपी अब मैं ले रहा हूँ, सेकंड एपी में सेम नहीं ले सकता, जनरल फॉर्म भले ही ये है, क्योंकि फिर आप सिंबल में कंफ्यूज हो गए. तो उसका फर्स्ट टर्म है उसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, कैपिटल ए. फिर आएगा कैपिटल ए प्लस स्मॉल डी, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल डी आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस एक ही है, इक्वल है. एक है मतलब वन वैल्यू नहीं है, एक ही है मतलब इक्वल है. तो मैंने, तो फिर हम दोनों को एक ही सिंबल ले सकते हैं अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो अगर वैल्यू अलग अलग है तो हमें सिंबल अलग अलग लेने पड़ेंगे, ठीक है. यहाँ पे तो एक ही है, इसलिए ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल ए प्लस टू डी सो ऑन. ये हमारी दो एपी हो गई, हमने जनरल फॉर्म एज्यूम कर लिए. अब हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन पता है ना. अब इसका 100th टर्म क्या होगा, तो मैं उसको स्मॉल ए 100 से डिनोट करता हूँ. किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल ए 100. माइनस इसका 100th टर्म क्या होगा, कैपिटल ए 100. इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, मेथड समझना. 100 के बदले 50th टर्म का डिफरेंस दे सकते हैं, या तो 100 यहाँ पे 100 के बदले 50 वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, मेथड समझ लो. अभी ए 100 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 99 डी, पता है ना जनरल फॉर्म में 100th टर्म, ए 100 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 99 डी, हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया. माइनस इसमें 100 का क्या होगा, कैपिटल ए प्लस 99 डी, बट आगे माइनस है तो दोनों की साइन चेंज, तो कैपिटल ए भी माइनस होगा एंड माइनस 99 डी. प्लस माइनस डायरेक्ट मैंने माइनस कर लिया, इज इक्वल टू 100. अब इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए टेंथ में हो. अब ये लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्लस 99 डी माइनस 99 डी, 0 डी हो गए, मतलब फर्क कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए. अब इसका सब्ट्रैक्शन मत करना, ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो स्मॉल है माइनस कैपिटल है इज इक्वल टू 100, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1. अब लॉजिक चलाना है ना, तो लॉजिक यहाँ पे चल सकता है. देखिए 100th टर्म का डिफरेंस कितना गिवन था, 100, तो ये स्मॉल है मतलब फर्स्ट टर्म, ये कैपिटल है मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना आया, 100. 100th टर्म का डिफरेंस भी 100, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100. आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कॉमन सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जितनी वैल्यू एक में इंक्रीज होगी उतनी ही दूसरे में इंक्रीज होगी, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन उतना ही रहेगा.
तो अब आप बता सकते हो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 1000, लेकिन ऐसे नहीं बताना, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1000th टर्म का डिफरेंस। अभी पहली एपी का 1000 टर्म मतलब स्मॉल ए 1000 होगा, माइनस दूसरी एपी का डिफरेंस कैपिटल ए 1000 इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं फॉर्मूला रख देता हूँ, ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल ए प्लस 999 डी। आपको पता है डी का कोएफिशिएंट टर्म के नंबर से एक कम होता है, एन से एक कम, माइनस का माइनस, कैपिटल ए प्लस 999 डी, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 999 डी, प्लस 999 डी माइनस 999 डी दोनों कट हो गए, तो ये बचा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। बट स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास इक्वेशन वन में है, वो क्या है 100। सो ये हो गया उनके 1000th टर्म का डिफरेंस, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, दोनों कितना आया 100 एंड सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया। ये 1000 के बदले और कुछ भी दे सकते हैं, ये मेथड माइंड में रखना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, ऐसा ही मतलब 2 APs वाला क्वेश्चन चेंज है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है, n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs, आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs, APs पहले तो गिवन है 63, 65, 67, so on and 3, 10, 7, so on, पर बाद में आगे सेंटेंस कंप्लीट किया है इक्वल। अब देखिए एपीस जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, वापस क्वेश्चन रीड करता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, मतलब एन की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होंगे, दोनों के nth टर्म इक्वल है। तो पहले तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या गिवन है बोलिए, 63, 65, 67, so on। तो अब इसमें मुझे ए एंड डी लिखना है, सो ए इज इक्वल टू इसका होगा 63, फिर डी मतलब ए 2 माइनस ए 1, यहाँ पे एपी गिवन है इसलिए आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे एपी गिवन नहीं थी। डी इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 हो गया डी की वैल्यू। अब सेकंड एपी एंड सेकंड एपी कौन सी है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, 10, 17, so on, तो इसमें भी ए एंड डी लिखेंगे, लेकिन मैंने बोला एक ही सम में 2 AP गिवन है तो सिंबल स्मॉल एंड कैपिटल ले लो, क्योंकि दोनों में एक तरह का सिंबल नहीं ले सकते, वैल्यू अलग अलग होगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ए, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए होगा 3, फिर इसका डी कैपिटल होगा। आप बोलोगे सर इधर तो दोनों में स्मॉल लिया था, इधर क्वेश्चन में ऐसा बोला था 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, सो दोनों का डी भी अलग अलग होगा। तो डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए 2 माइनस कैपिटल ए 1, कैपिटल ए 2 10, माइनस कैपिटल ए 1 3, 10 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा 7, डी की वैल्यू 7। अब क्वेश्चन का यूज करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, दोनों के nth टर्म जो है वो इक्वल है, nth टर्म्स आर इक्वल, आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म्स इक्वल होंगे, तो nth टर्म्स इक्वल है ऐसा ले लो, तो इसका पहली एपी का होगा स्मॉल a n इक्वल टू दूसरी एपी का होगा कैपिटल a n, ले लिया इक्वल। अब फॉर्मूला स्मॉल a n का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें सब स्मॉल, कैपिटल a में कैपिटल a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल d, n स्मॉल ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के लिए पूछी है, स्मॉल है 63 प्लस का प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इनटू d, d स्मॉल d 2 इक्वल टू का इक्वल टू कैपिटल a 3 प्लस का प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, कैपिटल d इज 7। अब यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके सिंपलीफिकेशन हो पाएगा, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू, ये 3 का 3, फिर प्लस का प्लस, 7 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 7n
माइनस सेवन। अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 63 और 2 लाइक टर्म्स है, 2 और 2 मत ले लेना, 2 2 देख के। लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल है और उसकी पावर देखनी होती है, कोएफिशिएंट नहीं देखने होते। 63 - 2 का होगा 61 + 2n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 3 - 7 - 4 + 7n। अभी मैं क्या करूंगा, 7n को इधर लेके आऊंगा प्लस है माइनस होगा, 61 को उधर लेके जाऊंगा प्लस है कैसा होगा माइनस, तो इधर 2n बचेगा, प्लस है तो आगे प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस 7n इधर आया, माइनस 7n इज इक्वल्स टू माइनस 4 था, 61 उधर गया तो माइनस 61। ध्यान रखना जिसको चेंज करते हैं उसकी साइन चेंज, एंड अदर थिंग ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि वेरिएबल्स वाले एक साथ होंगे तब जाके हम लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमने लाइक टर्म्स इकट्ठा किए हैं दोनों साइड में अलग अलग। 2n - 7n का आंसर होगा -5n, -4 - 61 का आंसर होगा -65। -5 मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में, तो n इज इक्वल्स टू -65/5 -5, माइनस माइनस कट, सो n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 13/5 = 65, सो 13th टर्म ऑफ बोथ हैप्पी आर इक्वल, दोनों का 13th टर्म जो है वो इक्वल होंगे, आपको कैलकुलेशन करके देखना हो तो देख लेना, ठीक है। सम इज ओवर, ये लिख लीजिए, फिर एक नया फॉर्मूला आएगा, फिर उसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब आगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अभी कोई एपी के n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, देखिए nth टर्म फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने थे, उसके फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं, अब आएगा सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स के सम हमें फाइंड आउट करने हैं, सम मतलब एडिशन, ठीक है, मतलब कोई एपी में 15 या 20 टर्म्स गिवन है तो सबका एडिशन अगर करना है तो एक एक का करने नहीं बैठना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, SN, सम ऑफ n टर्म्स को सिंबल में SN कहते हैं, सम ऑफ n टर्म्स SN, SN का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × b, फॉर्मूला क्या है, 2a (n/2) × 2a + n-1 × d, या तो उसका एक और फॉर्मूला है, देखिए कैसे मिलता है वो मैं आपको समझाता हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 (n)(2a + n-1) × d, तो 2a की जगह पे मैं a + a लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है ना, क्योंकि तो a + a या 2a दोनों एक ही होता है, फिर प्लस का प्लस, फिर n-1 × d गिवन है आपको, ठीक है। तो अब a + n-1 × d ये किसका फॉर्मूला है, an का, तो फॉर्मूला होगा n/2 × a + an, ये भी दूसरा फॉर्मूला है SN फाइंड आउट करने का, SN इज इक्वल्स टू n/2 (a + an), कोई बोलेगा सर ये फॉर्मूला छोटा है हम यही यूज करेंगे, लेकिन जब आपको an गिवन हो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, अगर आपको गिवन हो तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आपको यही फॉर्मूला इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दो नए सिंबल्स आए हैं उनका मैं डिस्कशन कर दूं, वेयर SN, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, फिर n का मतलब, चलिए सारे मैं बता देता हूँ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने हैं वो टर्म्स के नंबर, फिर a का तो पता है ये आपको, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, एंड एक और चीज यहाँ पे नहीं आई है an, an नहीं या नहीं है, वैसे तो आप जानते हो nth टर्म, nth टर्म को दूसरे वर्ड्स में लास्ट टर्म भी कहा जाता है, इसलिए उसका एक और सिंबल भी है वो है l, आप l लिखो तो भी चलता है, ठीक है, दोनों एक ही हुआ, क्लियर है इतना। तो आप पहले ये जो है उसे नोट्स करके लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, अभी एक ही फॉर्मूला और उसके रिलेटेड एक ही सम आएगा, लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे सम्स हैं, फॉर्मूलाज इसमें बहुत कम है चैप्टर में, सिंबल के बारे में अगर आपको पता है तो आप सम्स जो है वो इजीली कर सकते हो, ये लिख लीजिए, फिर आगे सम्स की तरफ हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे।
चलिए एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके ऊपर हम जाते हैं। फाइंड दी सम ऑफ फॉलोइंग एपीस। आपको फॉलोइंग एपीस के सम फाइंड आउट करने हैं। एपीस आपको गिवन है, सम फाइंड आउट करने चाहिए। मैं फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन में है 2, 7, 12 अप टू। अभी इसमें कहाँ क्या गिवन है मालूम है? 2, 10 टर्म्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे लास्ट टर्म समझ लेते हैं 10 को। बट ध्यान से रीड करो, इट इज 2 10 टर्म्स। 2 10 टर्म्स का मतलब हुआ इसका सम करना है। ऊपर आपको नोटिस गिवन है, सम करो 2 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक का सम करना है, मतलब ये एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स है एंड इट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी एन, एन में लिख लूंगा ए। ए की वैल्यू है 2, एन एन की वैल्यू है 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। फिर डी, बी का फॉर्मूला है a2 - a1। ए टू मतलब 7 - a1 मतलब 2, 7 - 2 = 5। अभी एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब वैल्यू रख दो जिसकी जिसकी है आपके पास। एस एन की वैल्यू है आपके पास 10, एस 10 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 मतलब 10/2 होगा ये, इन ब्रैकेट 2 × a मतलब होगा 2, प्लस का प्लस 10 - 1 मतलब क्या होगा 9। मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लेता हूँ, आपको पता है d की वैल्यू कितनी है 5। तो चलिए ब्रैकेट ओवर, 10/2 का आंसर आएगा 5, इन ब्रैकेट 2 × 2 = 4, प्लस का प्लस 9 × 5 = 45। चलिए 45 + 4 क्या हो जाएगा, 49, 5 × 49, बिकॉज पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करना पड़ता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर लेना। ठीक है, 49 5 का क्या हो जाएगा 245। ये हो गया एस 10 एंड सम इज ओवर, सम ऑफ 10 टर्म्स मिल गया फर्स्ट वन में। चलिए सेकंड वन में मैं जा रहा हूँ। सेकंड वन में क्वेश्चन कुछ ऐसा है, -37, -33, -29 up to 212 टर्म्स। कहाँ तक है 12 टर्म्स तक सम। तो जैसा कि उसमें लिखा था वैसे ही यहाँ पर a, a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मतलब -37। फिर b, सॉरी पहले मैं n लिख लेता हूँ, n इज इक्वल्स टू 12, कोई भी पहले लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर d, d का फॉर्मूला है a2 - a1। a2 का मतलब है -33। फिर यहाँ पे ध्यान रखना माइनस, A1 मतलब -37, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, -33 + 37 का आंसर होगा 4। तो D की वैल्यू कितनी मिली +4, माइनस प्लस माइनस आंसर में साइन बिगड़ टर्म की, D 4 मिल गया। अभी N A N N D A, तो डायरेक्ट SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, N बाई 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 12, एस 12 इज इक्वल टू n/2, एन मतलब 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, a मतलब है -37, 2 × -37 प्लस का प्लस। अभी n माइनस 1, एन मतलब 12 है, 12 - 1 की डायरेक्ट वैल्यू 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 12/2 मतलब क्या हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 37 × 2, 37 × 2 = 74, बट -74 प्लस का प्लस 11 × 4 = 44। अब पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई, इन दोनों को ओवर करो, माइनस प्लस माइनस आंसर में साइन बिगर टर्म की, -74 + 44 करोगे तो आंसर आएगा 30, बिगर टर्म की साइन मतलब -30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगा 180, बट माइनस एस 12, सम इज ओवर। इसमें जो थर्ड सम है इसके जैसा ही आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, उसका आंसर मैं आपको 0.6, 1.7, 2.8 to 100 टर्म आंसर मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर थर्ड वन एंड फोर्थ वन मुंह पे मैं कर लूंगा तो चलेगा।
ये सेकंड वन था, ठीक है, या तो रोमन या तो ऐसा डिजिट फोर्थ वन, वो मैं करवा रहा हूँ 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन, कहाँ तक है, अप टू 11 टर्म्स। तो अभी है ना, कुछ लोग इसमें ऐसा सोचते हैं कि सर ये एपी कहाँ है भाई, ऊपर आपको बोला है एपी है, मतलब ये एपी है, आपको दिख नहीं रहा ध्यान से, क्योंकि आप डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, एक्चुअली इसमें सिंप्लीफिकेशन होता है, तो उसमें आप मत पढ़ना, 11 टर्म्स तक का सम हमें करना है, तो चलिए अब वो करते हैं, ठीक है, 11 टर्म तक का सम करेंगे, तो सबसे पहले मैं ए लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1/15 फर्स्ट टर्म, फिर एन की वैल्यू गिवन है, एन इज इक्वल्स टू 11, फिर डी की वैल्यू, डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 1/12, माइनस ए वन कितना है 1/15, अब इसका सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने की शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताई है, बड़े डिजिट का टेबल बोलना है, बड़ा डिजिट है 15, 15 का टेबल, 15 1 जा 15, 12 के टेबल में 15 आता है नो, 15 2 जा 30, 12 के टेबल में 30 आता है नो, 15 3 जा 45, 12 के टेबल में 45 नो, 15 4 जा 60, 12 के टेबल में 60 यस आता है, 12 5 जा 60, तो 60 इज दी एलसीएम, यहाँ पे 60 आएगा एलसीएम, इसके पास 12 है, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 60 होगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, माइनस इसके पास 15 है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 60, तो ये ऊपर 4 होगा, 5 - 4 मतलब 1/60, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, लेकिन अभी हमें एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनमें किसी में भी लास्ट टर्म गिवन नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, इसलिए हम ये वैल्यू ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लास्ट टर्म जब भी गिवन होगा तब हम an वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, अभी वैल्यू रखते हैं, sn s11 इज इक्वल्स टू n मतलब क्या, 11 11 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 ब्रैकेट ओवर प्लस का प्लस एन माइनस वन, इलेवन एन इज इक्वल टू इलेवन, इलेवन माइनस वन मतलब डी सॉरी 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/60, 1/60, ठीक है, तो अब यहाँ पे 11/2 का कुछ नहीं होगा, उसको ऐसे ही रहने दो, अभी इन ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2/15, आपको ऐसा मत बोलना 2 का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ होगा, प्लस का प्लस ये 0 0 कट, तो ये होगा 1/6, अब देखिए ब्रैकेट में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो एलसीएम वाली मेथड जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 के टेबल में 6 के टेबल में 15 आता है नहीं आता, 15 2 जा 13, 6 के टेबल में 30 आता है, 15 2 जा 30, 6 के टेबल में 30 आता है यस, तो 30 इज दी एलसीएम, 15 2 जा 30, तो ऊपर भी होगा 2 2 जा 4, फिर प्लस का प्लस 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5 1 जा 5, तो ये हुआ 11/2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 5 मतलब 9/30, अभी इसमें भी कट हो सकता है 3 3 जा 9, नीचे 3 10 जा, तो 3 3 कट, तो अभी इसका मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 अपॉन 10 2 जा 20, ये हो गया S11, ठीक है, सम इज ओवर, ठीक है, क्लियर, तो अभी आप पहले ये लिख लो, तब तक मैं आपको प्रीवियस जो थर्ड वन सम होमवर्क में दिया उसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो चलिए वो जो सम है उसमें आंसर आएगा 5505, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वन, उसमें आपका आंसर आएगा 5505। अब मैं क्वेश्चन 2 पे जा रहा हूँ, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो, फर्स्ट वन में गिवन है 7 + 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू प्लस 84। अब देखिए यहाँ पे 84 जो है ना वो एपी में कनेक्टेड है डायरेक्ट प्लस प्लस करके, तो ये इसका लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है
तो आप इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वहां पे कनेक्टेड नहीं था, टू दी टू टेन टर्म्स या टू इलेवन टर्म्स ऐसा गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, बट आपके पास एन तो है नहीं, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है तो वो तो आपको पता नहीं है, तो पहले तो एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ए इज इक्वल टू सेवन फर्स्ट टर्म, फिर डी, डी का फॉर्मूला होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, टू टेन या ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन मतलब ट्वेंटी वन अपॉन टू माइनस ए वन मतलब सेवन, अब इन दोनों का एलसीएम होगा टू, ये ट्वेंटी वन माइनस टू सेवन या फोर्टीन, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन मतलब सेवन अपॉन टू, ये डी की वैल्यू मिली। अभी हमें ए एन चाहिए, सॉरी एन चाहिए, लेट जब भी एन चाहिए तब लास्ट टर्म को हम ए एन ले लेते हैं, पता है ना प्रीवियस एक्सरसाइज, ए एन इज इक्वल टू एटी फोर, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू एटी फोर, वैल्यू है वो रख दो, ए की वैल्यू सेवन प्लस एन फाइंड आउट करना है, सो एन माइनस वन, डी की वैल्यू सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू एटी फोर, सेवन उधर लेके जाओ प्लस या माइनस होगा, सो एन माइनस वन इंटू सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू एटी फोर माइनस सेवन, एटी फोर माइनस सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू सेवनटी सेवन। अभी सेवन अपॉन टू को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई होगा न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू सेवनटी सेवन मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन सेवन, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू इलेवन, सेवन जा तो इलेवन टू जा ट्वेंटी टू आया, माइनस वन को उधर लेके जाओ तो प्लस वन, एन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू प्लस वन, सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी थ्री, ये एन की वैल्यू मिल गई। लेकिन अभी हमें तो फाइंड आउट करना है एस एन, तो एस एन का फॉर्म्यूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, यहाँ पे ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लेंगे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो एन इज इक्वल टू क्या मिला 23, एस 23 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 23 अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ए मतलब क्या है 7 प्लस ए एन मतलब क्या है ए एन मतलब 84, ठीक है। तो ये हो गया 23 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 7 प्लस 84 हो जाएगा 91, आप 91 इंटू 23 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 91 टू जा हो जाएगा 820, 820 एंड 93 जा 27 273, 820 इंटू 73 मतलब हो जाएगा 1093 अपॉन 2, ये मिल गया एस 23। इसे कोई मिक्स इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन जो है वो आपको होमवर्क में करना है, सेकंड वन आपको होमवर्क में करना है, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर आएगा 286, क्या आंसर आएगा 286, ठीक है। अब उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग थर्ड वन में, आज का लास्ट सम हमारा ये, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन को खत्म हो जाए, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस इलेवन है, लेकिन स्पेस की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस टू थर्टी, तो इसमें लास्ट टर्म माइनस टू थर्टी है, सम इसके जैसा ही होगा, पहले ए लिख लो, ए इज इक्वल टू माइनस फाइव, फिर डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू है माइनस एट, फिर माइनस ए वन माइनस माइनस प्लस फाइव, माइनस एट प्लस फाइव हो जाएगा माइनस थ्री, तो बी की वैल्यू हमें मिली माइनस थ्री। अब उसके बाद लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी, अभी ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी, जिस ए एन डी की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी माइनस फाइव प्लस एन माइनस वन इन टू डी की वैल्यू होगी माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी, जब भी माइनस हो तब ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी होगा, माइनस फाइव उधर जाए डी की वैल्यू, हाँ माइनस फाइव उधर जाए तो क्या होगा प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस टू थर्टी प्लस फाइव,
माइनस 230 प्लस 5 का क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, आंसर में साइन बिगर टर्म की, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 225। अभी माइनस 3 उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 225 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कट, और ये डिवाइड करोगे तो n माइनस 1, 37 जा 21, 1 रिमेंस 15, 35 जा, माइनस 1 उधर लेके जाओ क्या होगा, प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1, सो n इज इक्वल्स टू 76। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है, Sn का फॉर्मूला n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, लास्ट टर्म गिवन है माइनस 230, तो Sn, n मतलब 76, s 76 इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a मतलब फर्स्ट टर्म है माइनस 5, फिर प्लस ए एन, ए एन माइनस 230 प्लस माइनस माइनस 230, तो ये हो जाएगा 76 अपॉन 2 डिवाइड होगा तो वो आएगा 38 इन ब्रैकेट माइनस 235। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है, माइनस आएगा एस 76, जो भी आए वो आंसर कर लेना। ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड बाय।